श्रोताओं, 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम पुनीत पावन दिन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने तमाम वैभव और गरिमा के साथ हमारे सामने है। गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के साथ दशक पार करने के बाद आज का भारत आत्मनिर्भर भारत, सशक्त, समृद्ध, सक्षम भारत अपने गणतंत्र के 72वें साल में कदम रख रहा है। वतन की हार तुझे दिलकशी मुबारक हो, जमीन हिंद को ये रोशनी मुबारक हो। 71 साल पहले आज ही के दिन भारतीय गणतंत्र का उदय हुआ था। इसी दिन जनता का जनता द्वारा जनता के लिए इस सिद्धांत को अंगीकार किया गया था। प्रजातांत्रिक मूल्यों की नींव रखी गई थी और तब से लेकर निरंतर हमारे देश ने प्रगति और उपलब्धि अब्बास, अब्बास उठ जाओ, देखो कितना वक्त हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। ओहो, चाय तो हम पी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी बेगम जान को जी भर कर देख तो लें। अच्छा जी, जरा हम भी तो जाने कि हमारे शोहर को हम पर आज इतना प्यार क्यों आ रहा है। अब अगर हमारी बेगम जान पर प्यार नहीं आएगा तो क्या पड़ोसन पर आएगा? प्यार बहुत दूर की बात है, देखा भी तो जान ले लेंगे। अरे मजाक कर रहे हैं आपसे, आपके बगैर अगर ये आंखें किसी और को देखेंगी ना, उस दिन ना तो ये आंखें होंगी और ना हम। या अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सिवा है कौन हमारे इस दुनिया में? अब हम आपसे गुस्से हैं। अरे हमारा बच्चा हमसे गुस्से है? जरा इधर तो आए। चलो आप बाप बेटी बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या हम जान सकते हैं कि हमारी नन्नी सी परी हमसे क्यों नाराज है? मुझे बड़े वाला खिलौना चाहिए। बड़ा सा खिलौना चाहिए? बड़ा सा खिलौना तो हम आपको ला देंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्यारी सी स्माइल करनी होगी। प्यारी सी स्माइल, बड़ा सा खिलौना चाहिए ना आपको? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। काम हो गया? जी भाईजान, हो गया।
पहुंच गए स्टेडियम? बस मैं आधे घंटे के अंदर स्टेडियम पहुंच जाऊंगा और वहां पर जाकर बम को एक्टिवेट कर दूंगा। और उसके 15 सेकंड बाद एक ऐसा धमाका होगा जिसको इंडिया कभी नहीं भूल पाएगा। वालेकुम भाईजान। काम हो गया? जी भाईजान। कुर्बानी देने का वक्त आ गया, बस जाओ और लाखों काफिरों को मार कर जन्नत हासिल कर लो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज भाईजान। भाईजान मैं ये काम नहीं करने वाला। अब्बास तुम जन्नत में जाने का मौका गवा रहे हो। भाईजान बेगुनाहों को मारकर किसी को जन्नत नसीब नहीं होती, और वैसे भी मेरी जन्नत मेरे परिवार के साथ है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम अब्बास। हाँ गलती कर रहा था आपका साथ देकर अपनी सरजमी को धोखा देने की, पर अब मैं ऐसा नहीं करने वाला। आपकी बातों के अंदर आकर मैं लाखों परिवारों और अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ अब्बास। खुदाफिज। आप सब, अगर आपको हमारी आज की ये फिल्म एक्टिवेट अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।